तो कैसे आप लोग, होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइज आज हम जा रहे हैं अपना एनडीए का पेपर देने के लिए। तो गाइज आज हम जा रहे हैं अपना एनडीए का पेपर देने के लिए। आज 14 नवंबर है, तो आज हमारा एनडीए का पेपर है, सेक्टर 75 सूरज स्कूल में पेपर है हमारा। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, वाटिका चौक आ चुके हैं। अब यहाँ से हमको जाना है, तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो 10 बजे से पेपर है, देखते हैं कैसे जाएंगे। ऑटो मिले तो ऑटो से, या फिर कैब देखते हैं अगर कैब मिले तो। और गाइज एक हमारे साथ ये दोस्त है, ये भी हमारे साथ जा रहा है पेपर देने के लिए। हाय कर। हेलो भाई, कैसे हो? ठीक हो? हेलो, आज हम एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 14 नवंबर है, सबको पहले हैप्पी चिल्ड्रन डे। बहुत हमारे घर परिवार को उम्मीद है एनडीए के पेपर की, कि हम पास हो जाएंगे। अगर पास हो गए दोस्तों तो हम दोबारे अपने यूट्यूब पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। हम सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हैं पढ़ाई लिखाई में, हमारा मेन फोकस डिफेंस की लाइन में ही है। दोस्तों आप भी लोग तैयारी करते रहो, हर घर का एक ना एक बच्चा तो कम से कम डिफेंस की लाइन में जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो इस भाई के आपने विचार सुने, बहुत ही बढ़िया विचार रखते हैं भाई। हमारे साथ के क्लासमेट है, सुमित नाम है इनका, सुमित नाम है इस भाई का। तो ये अपने इसी कॉलेज डीएसडी कॉलेज में स्टडी करते हैं। आप लोग, अगर आप यूट्यूब फैमिली, अगर कोई बच्चा जाता है डीएसडी में, तो इससे इस भाई से ज़रूर मिलें और अपने दोस्ती बनाएं। तो गाइज चलते हैं और आपको हम बताएंगे कि वहाँ पे कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही है। क्योंकि पिछली बार फॉर्म जो निकला था उसमें हम जा नहीं पाए पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, बिकॉज कोरोना का टाइम था, तो और दिल्ली में सेंटर पड़ा था हमारा, तो हम नहीं जा पाए। लेकिन इस बार हम जा रहे हैं, देखते हैं किस हिसाब से पेपर आता है और बताएंगे, आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना, और आपसे क्वेश्चन पेपर भी शेयर करेंगे कैसा आया है कैसा नहीं आया। अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं होगा, बट मैं आपको बाहर आके ज़रूर दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो मिलते हैं गाइस बाद में। गाइस ये देखो, ये है ना, इस ऑटो वाले का ये गिर गया, तो है ना, हम इसको लेके जा रहे हैं उसके पास। अब हम समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ताकि उस भाई का कोई नुकसान भी ना हो। छोटी मोटी समाज सेवा करते रह करें हमेशा जिंदगी में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये लो भी, आपको साइड से रख रहे थे, अपने अंकल आके ले जाएंगे बाद में। दे दिया गाइस हमने उसे। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने सूरज स्कूल के सामने। अब कुछ ही देर बाद हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप कुछ देर के लिए हमारा इंतज़ार करिए, हमारे चैनल पे रहिए, और जब तक आप पढ़ाई खाई करिए और कुछ ना कुछ जानकारी लेते रहिए। तो गाइस हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सी संख्या में बच्चे पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम भी टाइम रहते पहुंच गए। अभी टाइम हो रहा है 8:30 के करीब, 8:35 टाइम हो रहा है। तो हम यहाँ सूरज स्कूल में पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आप, सूरज स्कूल, ये सूरज स्कूल है। और यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में बच्चे आ चुके हैं अपने, और हमारे पेपर 10 बजे से स्टार्टेड होने हैं। तो अभी हम ये देखिए कागजात, ये हमारे एडमिट कार्ड, ये अब हम एंट्री करवाते हैं वहाँ पे, देखते हैं अभी क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसे एंट्री का प्रोसेस है। तो बाकी बने रहिए, और अभी हमारे पैसा से पहला पेपर जो होगा वो मैथ्स का होगा, 400 नंबर का। उसके बाद ब्रेक है, फिर 3 बजे से पेपर होगा हमारा सब चीज़ जनरल साइंस का। तो मैं आपको मैथ का पेपर भी दिखाऊंगा, तो चलते हैं। तेरा 728 है, मेरा 269 है। कितना है? 728, मेरा 269 है। अलग रोल नंबर, रूम नंबर होगा। दोस्तों हम अपने सेंटर पे पहुंच चुके हैं, और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ।
दोस्तों देखोगे, चलो दिखाई देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये है BMW का शोरूम। ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो BMW ग्रुप। हम गाड़ी तो नहीं खरीदेंगे, देखिए कब से कम आप कब शोरूम तो दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे गाड़ी नहीं खरीदने आए हैं, हम यहाँ पे है ना आपको शोरूम दिखाने आए हैं। अगर आपको खरीदना हो तो यहाँ पे आ सकते हो। एड्रेस है सेक्टर 75 और नियर सूरज सकुल। तो आपको और भी दिखाते हैं यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, सोच रहे हैं यहाँ पे फोटो शूट करवा लें। क्यों सुमित, क्या ख्याल है? बिल्कुल। अगर हमारा एंट्री पेपर क्वालिफाई हुआ तो हर दोस्तों को गिफ्ट में BMW देंगे। नहीं, BMW ज़्यादा हो गया। BMW की ब्रांड नहीं आती है, वो पानी वाली वो पिलाएंगे सबको। हाँ आपको है ना सिर्फ ये BMW का टैग दे देंगे, टैग। ये बढ़िया था गुरु। ये देखो पेड़ पौधे कटिंग कितनी अच्छी कटिंग कर रखी है दोस्तों। देखो दोस्तों क्या ही शानदार बिल्डिंग है, और ये पेड़ पौधे की कटिंग देखो। अपने आसपास हरियाली बनाए रखें, पेड़ पौधे जरूर लगाएं। कैसी हरियाली कर दो, हरियाली देखो बिल्कुल। ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों, ये BMW ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर। ये देखो व्यू। दोस्तों ये हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन छाया हुआ है, ये इस टाइम मौसम ही ऐसा हो रहा है, सर्दी हो रही है दोस्तों, इसलिए ऐसा एनवायरमेंट हो रहा है। बहुत सुंदर एरिया है, बहुत बिना पॉल्यूशन वाला एरिया है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत, आज तो सुबह इतनी सर्दी थी, मेरे को जैकेट पहन के आना पड़ा, आपने देख ही लिया होगा। लेकिन अब धूप सी निकल रही है तो अब गर्मी लग रही है। ये देखो पेपर से अभी हमारे पेपर 10 बजे स्टार्ट होने वाले, तो ये देखिए ये कितने 8:30 बजने वाले, तो एक घंटा पहले ये हमारे स्टूडेंट होनारे स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर रहे हैं गाइस। अब ये बताओ, ऐसे बच्चे होते हैं जो एक ही फर्स्ट अटैम्प्ट में अफसर बन के निकलते हैं और गुड़गांव का नाम रोशन करते हैं। हाँ ये देखो बता रहे आपको। पढ़ने की कोई टाइम नहीं है, कोई आपका मन करे उस टाइम पढ़ो। बिल्कुल पढ़ो, मन लगा के, इस टाइम से मेरा मन करा मुझे पढ़ना आ गया। बिल्कुल। तो ये थी आपकी फ्री टिप्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइज अब हमारा पहला मैथ का पेपर कंप्लीट हो चुका है। मैथ का पेपर बहुत ही हार्ड आया था, हमने 2.5 घंटे तक बिताए और जैसे तैसे कर ही दिया। 120 क्वेश्चन आए थे टोटल, और जैसा कि आपको पता ही है MR सीट में फिल करना होता है उसे। और इस भाई का एक्सपीरियंस बताइए सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पेपर तो बहुत हार्ड आया था, लेकिन हम लगे रहे, हम सोचे कि पेपर आसान आएगा, लेकिन हमारी उम्मीद से पेपर हार्ड आया था। लेकिन हमारी जो मेहनत संघर्ष, हमारे जो टाइम हमने पढ़ाई में व्यतीत किया था, उस टाइम से मेरा कि पेपर हमारा हो जाएगा पास। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों, तो चिंता की बात नहीं है, जो तुम्हें क्वेश्चन आता है उन्हीं को सही करिए, और हमने वही करा। तो हमारे पेपर देखते हैं, 50% हमने क्वेश्चन अडॉप्ट करे और 10% हमने बार बार से भी छोड़ा पेपर दोस्तों। अब देखते ऊपर वाला क्या चाहता है दोस्तों। जी बिल्कुल सुमित भाई ने सही बताया है, ये जो NDA का पेपर है, ये NDA का पेपर में आपको 90% मेहनत और 10% आपको किस्मत पे छोड़ना चाहिए। 90% मेहनत अगर आपकी है तो 10% आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देगी। और दोस्तों पेपर तो हार्ड है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं चारों तरफ का माहौल, आपको अभी दिखाते हैं, यहाँ पे अभी सब बच्चे लंच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ हमारे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन सभी टाइम लंच में लगे हुए हैं। सब लंच में लगे हैं, हमारा भी लंच हो चुका है दोस्तों। 1.5 घंटे का टाइम ब्रेक मिला है, उसके बाद फिर से पेपर होगा हमारा। कितने बजे से है पेपर? अब 2:30 बजे से दोस्तों हमारा। अब 2:30 बजे से पेपर है जनरल एबिलिटी का, फिर 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, 1.5 घंटे तक वो भी चलेगा, 2 घंटे तक। फिर उसके बाद हम यहाँ से 4:30 बजे फ्री हो जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको और एक बात बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप आओ, यहाँ पे अगर आप पेपर देने आओ
तो सबसे एक टिप की बात बताता हूँ, आप एक अपने खाली दोस्त को ज़रूर लेके आओ ताकि वो आपकी बैग की रक्षा कर सके, क्योंकि कहीं आपके दिमाग में ये ना चलता रहे कि मेरे बैग में, जैसे कि हमको जैसे आपके मन में एक डर ज़रूर रहेगा कि है ना बैग रखने वाला कौन है क्योंकि किसी किसी स्कूल में क्या होता है बैग सबमिट करवा लेते हैं स्कूल में, और इस स्कूल में सूरज स्कूल में हमने हमारी हमें उम्मीद था कि अंदर रखने के लिए होगा कोई सबमिट करवाने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बेकार गई हमारे दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, हमको बैग बाहर ही सबमिट करवाना था। और अगर आपके साथ कोई नहीं आया और अगर आप अकेले आए हो और आपके पास फ़ोन लेके आए हो या और कीमती सामान है, तो आप थोड़ा सा हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही है इंडिया है, भरोसे के लायक कितना है। तो ऐसा नहीं है कि सब कोई भरोसे के लायक नहीं है, कोई कोई होते हैं भरोसे के लायक हमारे आपके जैसे। तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि अगर आप पेपर देने जाओ, दूर जाओ या कहीं भी जाओ, तो साथ में कोई दोस्त साथ में किसी को लेके जरूर जाइए ताकि आपके आपके सामान की सुरक्षा रहे, और आप अपने आपको किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं हो। जैसे कि अब हम दोनों का हमारा फ़ोन बैग में रखा हुआ था और बैग बाहर ही, अब पेपर देते वक्त हमें टेंशन भी हो रही थी कहीं कोई बैग ना लेके चला जाए, इसलिए फुल कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए किसी एक को आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस बार जो भी दोस्त हमारे एनडीए का एग्ज़ाम दे, प्लीज़ अपने नाम कमेंट में भेजिए। बिल्कुल हाँ दोस्तों, अब थोड़े बहुत दिनों बाद एनडीए अप्रैल का नया बैच स्टार्ट होने वाला दोस्तों, तो इसलिए अभी से तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि हमारे आप जैसे के बीच में दोस्त ऑफिसर बनते हैं, तो आप में से भी कोई दोस्त हमारी ड्यूटी देख रहा होगा, वो भी कुछ भविष्य में फ्यूचर में ऑफिसर बनेगा दोस्तों, तो लगे रहे मेहनत में दोस्तों। बिल्कुल मेहनत में लगे रहें, और पेपर हार्ड आएगा दोस्तों, तो जो छोटे भाई बहन हैं जो 10th 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं अभी 8th में 9th में 11th में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा मेहनत करें, वो अभी से चालू कर दे और फोकस रखे रटने पे नहीं, लर्न करने पे फोकस रखे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं फॉर्मूले बेस्ड थे और टफ क्वेश्चन बहुत आया हुआ था, लेकिन वही है अगर जिसने प्रैक्टिस कर रखी है, जिसे आता है उसके लिए टफ नहीं था। तो दोस्तों मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूँगा, तो ठीक है अभी वेट कर रहे हैं हम, अब 1.5 घंटे तक देखते हैं कहीं जाएंगे इधर घूमने या फिर यहीं पे बैठेंगे थोड़ी देर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद हमारा पेपर सेकंड पेपर के बाद आपको मिलेंगे दोस्तों। अब मिलेंगे आपको सेकंड पेपर के बाद, ठीक है बोल। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड पेपर भी हो चुका है जनरल एबिलिटी का, अब सभी हमारे भाई बहन छोटे बड़े सब अपने घर के जाने लगे हैं। हाँ तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है, तो अब ये सारे लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं और हम भी जाएंगे। अब सही ने पढ़ा दोस्तों, आसान आया था काफ़ी इस पेपर से, सब जितने भी कैंडिडेट हैं सबके इस मुँह पर देखो, सबके मुँह पे स्माइल आ रही है, ये पेपर बहुत अच्छा पेपर आ गया सबका ये। बिल्कुल अब देखा सबको क्या देखते हैं रिजल्ट में कितने लोग पास होते हैं, अपने घर को जाने वाले हैं, देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं सबके मुँह पे स्माइल लगी, पेपर बहुत अच्छा पेपर गया सबका, जीके तो बिल्कुल नॉर्मल आई थी, लोग सोच रहे थे कि पेपर बहुत हार्ड आता है इंडिया का, कुछ पेपर हार्ड नहीं गया, हमारी मेहनत हमारी लगन हमारी सफलता बिल्कुल कामयाब हुई, और बस हमें रिजल्ट का इंतजार है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा इंग्लिश का पेपर बहुत ही शानदार आया था जनरल एबिलिटी का, इंग्लिश और SST साइंस GK सब बहुत ही शानदार था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस पढ़ने की ज़रूरत है, और अगर आपने पढ़ रखा है 10th 12th के बेस पे सिलेबस, और ज़्यादातर देखा जाए तो SST और साइंस जो है हमारा 10th में से आया था, तो बहुत ही अच्छा पेपर गया हमारा सेकंड वाला। अब हमें इंतज़ार है रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट देखेंगे कैसा आता है, क्या परिणाम होता है। तो मॉक टेस्ट से मैच कर रहे थे लोग, कहते हैं मॉक टेस्ट नहीं आता, मॉक टेस्ट भी आता है इस बार तो। बिल्कुल, तो अब हम घर चलेंगे और मिलते हैं फिर अनदर ब्लॉग में।